अगर आप बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हो तो जिम के अंदर आपको एक्सरसाइजेस में कितने रेप्स लगाने चाहिए। आपने ये सुना होगा कि अगर आपने मसल बिल्ड करना है तो आपको मीडियम रेप रेंज यानी कि 8 से लेकर 12 रेप रेंज में काम करना चाहिए। अगर आपने स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है तो आपको छोटी रेप रेंज में काम करना चाहिए। अगर आपने शार्पनेस डेवलप करनी है तो आपको बड़ी रेप रेंज में काम करना चाहिए। वैसे इस बात में सच्चाई है लेकिन अधूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई यह है कि अगर आप किसी एक रेप रेंज में लंबे समय तक काम करते रहते हो तो उस रेप रेंज से मिलने वाले बेनिफिट्स आपको कम होने शुरू हो जाते हैं, इवेंचुअली आपकी प्रोग्रेस स्टॉल हो जाती है। तो अगर आप लगातार प्रोग्रेस करना चाहते हो तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि डजंट मैटर आपने मसल बिल्ड करना है, स्ट्रेंथ बिल्ड करना है या क्या करना है, कोई भी रेप रेंज में आप बहुत लंबे समय तक मत रहो। एग्जांपल के तौर पे अगर आप स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हो तो आप छोटी रेप रेंज में 6-8 हफ्तों तक रहने के बाद कुछ टाइम के लिए लंबी रेप रेंज में स्विच कर सकते हो एंड देन उसको साइकिल कर सकते हो। आपने किसी भी एक रेप रेंज में स्टक नहीं होना। जब भी आप स्टक होगे तो आपकी प्रोग्रेस स्टॉल करेगी। यहां पे आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो आपके छोटे मसल्स होते हैं जैसे आपके आर्म्स के मसल्स हैं, इनको हम सुपर हैवी ट्रेन नहीं करते हैं।